सीएमयू के आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आपको इस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बस शपथ ग्रहण शुरू होने वाला ही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपको नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम भी आपको इस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और साथ ही देखिए तमाम बीजेपी के दिग्गज हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साधु संत भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और सबकी निगाहें इस शपथ ग्रहण पर टिकी हुई हैं। हालांकि ये भी है कि मोहन यादव जो हैं वो मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर अब शपथ ग्रहण लेंगे और वहीं छत्तीसगढ़ के आपको बताते चले कि सीएम भी आज शपथ ग्रहण लेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रही हैं और तमाम दिग्गज जो हैं वो इस शपथ ग्रहण में समारोह में मौजूद हैं। ये मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए कौन से खास खास मेहमान पहुंचे हुए हैं वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे हुए हैं, एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के सीएम है वो भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो देखिए क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है और तमाम दिग्गज जो हैं वो भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और एक एक करके बताया जा रहा है कि सभी दिग्गज जो हैं वो अब पहुंच चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम अब शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद ही और वहीं छत्तीसगढ़ के भी सीएम शपथ ग्रहण लेंगे। ये तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नियुक्त मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ महोदय नियुक्त मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित है। महोदय, महोदय कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
महोदय, नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उसके बाद राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है, नारेबाजी भी वहां पर समय समय पर सुनाई दे रही है। और चुनाव से पहले नारा भी दिया गया था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी, नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ले ली है, उप मुख्यमंत्री के तौर पर जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल ने शपथ ले ली है। यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह की ये शपथ की औपचारिकता है अब पूरी कर रहे हैं राज्यपाल के दस्तखत, उसके बाद बधाई
देखिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हुए राजेंद्र शुक्ल यहाँ पर, और जैसे ही कार्यकर्ताओं का जोश देखे रह रहकर वहां से पीछे से नारेबाजियां हो रही है। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सभी लोग, तो शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से एमपी में मोहन राज की शुरुआत, और एक बार फिर समापन के समय राष्ट्रगीत। बड़ी खबर, प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ले ली है, और साथ में दो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने भी शपथ ले ली है, और इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह के समापन की घोषणा वहां पर हुई, और समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ, समारोह का समापन भी राष्ट्रगान के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं का इस बीच देखते ही बना। लगातार मोदी मोदी को लेकर नारे भी लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। समापन समारोह, अब यहां पर समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब यहां पर समाप्त हुआ। भव्य तस्वीरें, बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर यहां आपको देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है। देखिए यहां पर एक औपचारिक, तो बड़ी खबर, मोहन यादव ने ली है सीएम पद की शपथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी के सीएम पद की शपथ ने ली है, और बताया जा रहा मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ले ली है। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। तो सीएम पद की शपथ मोहन यादव ने ली है, और वहीं डिप्टी सीएम की शपथ भी ली गई है। हालांकि जो कैबिनेट मंत्रियों की शपथ है वो बताया जा रहा है कि बाद में लिया जाएगा। तो आपको बताते चले कि मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली है, जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, वहीं राजेंद्र शुक्ला ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं कि, और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। और लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से अब जो कमान है मध्य प्रदेश की, वो मोहन यादव जो अब सीएम बन चुके हैं उनके हाथ में है। वहीं दो डिप्टी सीएम, जगदीश देवड़ा ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, राजेंद्र शुक्ला ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश की कमान अब मोहन यादव के हाथ में है। दरअसल मोहन यादव अब सीएम बन चुके हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। तो वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी शपथ ली है, राजेंद्र शुक्ला भी डिप्टी सीएम बने हैं और उन्होंने भी शपथ ग्रहण ली है।